Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ईमानदारी, काबिलियत और लगन, ये सारे गुण किसमें हैं? आप बताएंगे मुझे? मैं तो आपको बता ही दूंगी, अब वीडियो करेंगे, मगर पहले वही आपसे नमस्कार कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज हमने द्वारिका के मुंह से एक चुटकुला सुना। उन्होंने चुटकुले में कहा गुनू जी से कि अब आप ईमानदारी, काबिलियत और लगन से मल्हार राव होलकर का दिल जीत लो। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर गुनु जी ईमानदार होते तो आज इस जगह पे क्यों होते? ईमानदारी कोई ऐसा सबक नहीं है जो आपको इंजेक्शन लगा के बताया जाए या आपको सिखाया जाए। तो ईमानदारी अगर खून में हो तो ईमानदारी होती ही होती है। अगर उनके फादर साहब ही ईमानदार नहीं है अपनी गद्दी के लिए, अपने राजा के लिए, तो गुनू जी ईमानदार कैसे हो सकते हैं? गुनू जी को हमने देखा है कई बार, और अब तो वो पकड़े भी गए, उनको सजा भी होगी, उनसे उनकी पदवी भी छीन ली गई। वहां पे द्वारिका इस चीज की उम्मीद करती है कि आप ईमानदार और काबिल और लगन के साथ काम कीजिए और दिल जीतिए। मुझे तो ये पॉसिबिलिटी लगती नहीं है, मुझे तो द्वारिका का ये ऐसा सपना लगता है जो कभी भी पूरा नहीं होगा। हाँ, एक चीज जरूर है, ईमानदारी तो उनमें नहीं आ सकती, इसमें तो मतलब फुल प्रूफ गारंटी है, बट काबिलियत और लगन उनमें जरूर है। काबिलियत गलत काम करने की, लगन उन कामों को और ज्यादा आगे बढ़ाने की, मतलब उस गलत काम करने के लिए बहुत लगन दिखाते हैं गुरु जी। तो ये दो क्वालिटीज उनमें हैं जो कि रॉन्ग साइड में जाती हैं, मगर फिर भी हम द्वारिका की तरफ से ये सोचना जरूर शुरू करेंगे कि काश ऐसा हो कि गुनू जी सुधर जाए। मगर दोस्तों, ये कहानी है, इसमें जो सच्चाई है वो सबको पता है कि अगर गुनू जी सुधरे होते तो ध्वज वाले जो हमने प्रोमो देखे हैं उसमें वो पीछे खड़े नहीं होते। उनको बकायदा कोई पदवी अच्छे वाली मिलती, ताकि जिसके लिए वो अपना इतना सारा काम कर रहे थे, इतने सारे घपले कर रहे थे। तो द्वारिका का यह सपना आपको कहां तक सही लगता है? क्या आपको लगता है कि गुनू जी के अंदर ये तीनों गुण आएंगे जो द्वारिका कह रही है? क्या वाकई वो मल्हार राव होलकर का दिल जीत पाएंगे इन 7 सालों में, ताकि वो उनको गद्दी दे दें? क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिए, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।